हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हमारा नाम ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो आज हम बात करेंगे ओप्पो के ट्रांसपेरेंट स्क्रीन के बारे में। इसमें आप लोग सोच रहे होगा कि ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा इसकी ट्रांसपेरेंट मतलब। अभी हमारा फ़ोन डिफ़ॉल्ट में चल रहा है जो कि आप लोग देख सकते हैं, एंड अभी वॉलपेपर दिख रहा है खाली और आप लोग का एप्लीकेशन वगैरह दिख रहा है। बट ट्रांसपेरेंट में होता क्या है कि आप लोग के फ़ोन में अंदर जितनी भी चीज़ें रहती है, जैसे कि बैटरी हो गया, जो भी पार्ट आपको फ़ोन में लगा रहता है, उस टाइप का देखने को मिल जाता है। जैसे कैमरा ऑन है तो आप लोग का जो भी चल रहा चीज़ है वो सारा का सारा यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन में शो होता रहता है। बट मैं आप लोग को जो ट्रांसपेरेंट बताने वाला हूँ वो एकदम अलग टाइप का है। बोले तो आप लोग के फ़ोन में जितने जैसे बैटरी लगी है, कोई भी पार्ट लगा हुआ है आप लोग के फ़ोन का, उस टाइप का आप लोग के फ़ोन में यहाँ पे जो वॉलपेपर टाइप का दिखेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एंड इसे किस टाइप से आप लोग इनेबल करेंगे, ऐड करेंगे, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करने पर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जैसे आप लोग इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का इनेबल लॉक का ऑप्शन आ जाता है। इसमें आप लोग को एक एडवांस फीचर ये भी मिलता है कि लॉक स्क्रीन भी आप लोग चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे इनेबल लॉक पे क्लिक कर दीजिएगा। कुछ आप लोग ऑप्शन वगैरह दिया रहा है जैसे पासकोड, तो यहाँ पर मैं अभी पासकोड पर इनेबल करूँगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल पासवर्ड सेट कर देता हूँ आप लोग को बताने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी सेट कर दिया है डिसेबल स्क्रीन लॉक, तो आप लोग डिसेबल भी इसे कर सकते हैं। टाइम आउट वगैरह चेंज पासकोड वी टाइम फॉर्मेट चेंज अनलॉक वगैरह, यहाँ पे आप लोग कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो गाइस फॉर एग्जांपल अभी हमने इसे इनेबल किया है और आप लोग को मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप लोग को पूरा सेटअप दिख जाएगा। जैसे कि आप लोगों को लॉक स्क्रीन जो रहेगा वो किस टाइप का, इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग के फ़ोन का अंदर जितने भी सेटअप रहता है वो सारा का सारा यहाँ पर सर्च हो जाता है। स्लाइड करेंगे आप लोग गाइस तो यहाँ पर आप लोग का पैटर्न जो रहता है वो डाल दीजिएगा, ऑटोमेटिकली आप लोग का कोड यहाँ पे खुल जाता है, पासवर्ड यहाँ पे खुल जाता है। चेंज वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को ये भी ऑप्शन अवेलेबल मिल जाए, जैसे कि आप लोग वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं। यस यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पे मैंने लॉक स्क्रीन भी सेट कर दिया हूँ, पासवर्ड वगैरह भी सेट कर दिया हूँ, और भी आप लोग को कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे इसे रखना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड गाइस आप लोग इस टाइप सेट कर पाएंगे अपना ट्रांसपेरेंट स्क्रीन को, जो कि जिस टाइप का आप लोग अगर फ़ोन रखते हैं तो उस टाइप का देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एंड इस एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट होगा कमेंट करना बोले, हम उस पर वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो जय माता दी।